देखिए, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.74 है, जिस कारण खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरा अभी भी कायम है, तो वही मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बरसात का येलो अलर्ट जारी किया। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में। दिल्ली डूब चुकी है, जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वो इस वक्त तालाब बन गई हैं। कश्मीरी गेट, ITO, लाल किला, सिविल लाइंस, राजघाट, यमुना बाजार, देखिए कैसे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई फीट तक यमुना का पानी इन इलाकों में भर गया है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर नाव चल रही है, NDRF से लेकर सेना तक के जवान हालात संभालने के लिए तैनात हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही नजर आ रहा है, और इस वजह से बाढ़ प्रभावित इलाकों से जल्द पानी खाली होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ITO की सड़क पर पानी और भी ज्यादा बढ़ गया है। सड़क लबालब पानी से भरी हुई है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पानी का फ्लो अब भी काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तस्वीर है दिल्ली के सिविल लाइंस की, जहां पानी का स्तर बिल्कुल भी नहीं घटा है, गाड़ियां डूब रही हैं और दूर दूर तक पानी है। और तीसरी तस्वीर है शांति वन की, जो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन लोग तो यहाँ एंजॉय करते दिख रहे हैं। पानी में लोग स्विमिंग करते नजर आ रहे हैं, जबकि ये जोखिम भरा हो सकता है। इस वक्त जो दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उसमें जहरीले सांप भी देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से खतरा लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ चुका है। राजघाट में करीब 10 फुट तक पानी भर गया है। पानी भरने के कारण दूर दूर तक केवल यमुना का पानी नजर आ रहा है, और पानी के साथ साथ सांप भी नजर आने लगे हैं। राजघाट में पानी पर तैरता सांप नजर आया। बाढ़ आने के कारण सांप कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे हैं, यानी कि दिल्ली के लिए एक और मुसीबत। यमुना के जल स्तर में मामूली गिरावट के बावजूद भी दिल्ली में हालात खराब हैं, क्योंकि पानी हद से ज्यादा भर गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है, और अगले 5 दिन उत्तराखंड में तेज बारिश जारी रह सकती है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण यहां नदियों में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये तस्वीरें काली नदी की हैं, जो भारी बारिश के कारण तेज बहाव से बह रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते नदियों का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और आइए अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि पूरा शहर पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है। बारिश से सिलीगुड़ी में हालात इतने खराब हैं कि नदियों का पानी कॉलोनियों में घुस गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लग सकता है जैसे नदी के दोनों ओर मकान बनाए गए हों, मगर ये तो जल भराव के बाद की तस्वीरें हैं। जल भराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फर्स्ट फ्लोर तो डूब ही गया है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। ये तस्वीर देखिए, कैसे एक मासूम अपने पिता की गोद में बिलख रहा है। पानी इतना भरा है कि छोटे बच्चों को उनके माता पिता गोदी में उठाकर ही लेकर चलने को मजबूर हैं। अगली खबर है सीहोर से, जहां पर अमरगढ़ वाटरफॉल में एक व्यक्ति पानी में डूब गया, और इसके बाद रेस्क्यू टीम से मौके पर पहुंचकर मोर्चे को संभाला। एक रिपोर्ट। तस्वीरें सैलानियों के फेवरेट पिकनिक स्पॉट अमरगढ़ वाटरफॉल की हैं, जहां एक व्यक्ति अचानक डूब गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि आसपास मौजूद लोग भी व्यक्ति को बचा नहीं पाए। व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस के साथ साथ SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे रस्सी की मदद से व्यक्ति को निकालने की कोशिश की गई। बताया गया कि 6 लोग अमरगढ़ वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने आए थे, और इसी बीच ये हादसा हो गया। वहीं उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। चमोली में पर्यटकों की गाड़ियां हाईवे से निकल रही थी कि तभी अचानक पहाड़ दरकने लगे।
तस्वीरों में देखा जा सकता है पहाड़ दरकने के बाद का मंजर। देखते ही देखते बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर गिरने लगे, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं दूसरी तस्वीर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां रुक रुक कर लैंडस्लाइड होता रहा। इस दौरान एक पहाड़ी गिरने लगी। हालांकि हादसे में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन की सूझबूझ से हादसे को टाल दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के पैरों में सफाई कर्मी गिर गया, माफी मांगता हुआ नजर आया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये जो महिला कुर्सी पर बैठी दिख रही है, वो है पिहानी की नगरपालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम, और जो अध्यक्षा के पैरों के आगे सिर झुकाए हुए हैं, वो है सफाई कर्मी। वीडियो में सफाई कर्मी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका अध्यक्षा ने सफाई कर्मी को अपने घर बुलाकर खूब सुनाई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी उनके पैरों में गिरकर ही माफी मांगने लगा। हालांकि बाद में अध्यक्षा सफाई कर्मी को उठने के लिए कहती हैं। आज सावन महीने का सबसे खास दिन है, सावन शिवरात्रि है, और आज के दिन भोले भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। देश भर में आज सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर के तमाम शिवालय बम बम भोले की जयकारों से गूंज रहे हैं। आज के दिन ही कांवड़ यात्रा भगवान शिव को जल चढ़ाने के साथ समाप्त हो जाती है। और आइए अब आपको कलयुग के श्रवण कुमार से रूबरू कराते हैं। माँ को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करके शामली पहुंचे हैं दो भाई, देखिए। शामली में दो भाई मात्र भक्ति निभाते नजर आए। जब दो भाई हजारों लीटर गंगा जल और दूसरी तरफ अपने माँ को कावड़ में बैठाकर शामली पहुंचे। इस अनोखी कावड़ यात्रा को देखकर लोग दोनों शिव भक्त भाइयों को कलयुग के श्रवण कुमार कह रहे हैं। इस दौरान दोनों शिव भक्तों को देखने के लिए शहर की सड़कों पर लोगों का तांता लगा रहा। लोगों ने हरिद्वार से लेकर शामली तक शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया। Z News.